सो हेलो गाइज, टुडे आई एम हैव टू टेल यू सम वोकैब्स। तो गाइज, आज आप लोग को मैं कुछ वोकैब्स बताऊंगा जो हमारी डेली कन्वर्जेशन के अंदर, इंटरेक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं और आजकल आपको न्यूज़पेपर में भी वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए गाइज, देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है यातना, मुसीबत। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट सी हिज एफ्लिक्शन, मैं उसकी मुसीबत नहीं देख पाया, मैं उसकी मुसीबत नहीं देख सका। और आज का हमारा दूसरा वर्ड है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है कम होना। एग्जाम्पल, माई पेन स्टार्टेड रिसीडिंग, मेरा दर्द कम होना शुरू हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल, हिज पेन स्टार्टेड रिसीडिंग, उसका दर्द कम होना शुरू हो गया है। और आज का हमारा तीसरा वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या उभर कर सामने आना, प्रकट होना। एग्जाम्पल, ही हैज़ इमर्ज्ड एज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, वो एक शानदार क्रिकेटर की तरह उभरा या शानदार क्रिकेटर की तरह उभर कर सामने आया। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।